हम बढ़ते हैं आगे, लखनऊ की बात करते हैं, जहां यूपी बीजेपी को नया टारगेट मिल गया। संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने एक टारगेट दे दिया है, जाटव यादव व्यापारियों को मनाएगी अब बीजेपी। खराब प्रदर्शन वाले 10% बूथों पर लक्ष्य तय किया गया है। बी श्रेणी और ए श्रेणी में लाए जाएंगे 10% बूथ। भाजपा ने बूथों को एबीसीडी श्रेणी में बांटा है, और ये बता दें आपको, ए श्रेणी में सबसे आगे, डी श्रेणी में सबसे कम वोट और बी श्रेणी में बराबरी के वोट, जबकि सी श्रेणी में कम वोट रखे गए हैं। एक नया टारगेट अब यूपी बीजेपी को दे दिया गया है, बाकायदा श्रेणियां बांट दी गई हैं यहां पर, और इन श्रेणियों के हिसाब से लक्ष्य जो है वो उन्हें तय करना होगा। खराब प्रदर्शन पर 10% बूथ भी है। मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, काम सीधे रुक कर लेते हैं। मयूर, एक नया टारगेट यहां पर दे दिया गया है बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को, और एबीसीडी कर बाकायदा यहां पर बांटा गया है। खराब प्रदर्शन वाले जो बूथ हैं उन पर भी काम करना होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए 2014 लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, और अब जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनका एक सर्वे कराया गया बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि कहाँ पर बूथ स्तर पर पार्टी कमजोर है, कहाँ पे मजबूत है। सर्वे कराने के बाद जो आंकड़े सामने आए उसको 4 श्रेणियों में बांटा गया, ए बी सी डी। ए श्रेणी ऐसी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अच्छा वोट मिला है, यानी कि सबसे ज्यादा उनको वोट मिला है, प्लस ग्रेड में वो रहे, और बी श्रेणी में जो दूसरी पार्टी का जो प्रत्याशी था उसके बराबर जो वोट मिला, सी श्रेणी में दूसरी प्रत्याशी से कम वोट मिला, और डी श्रेणी में जिसमें ना के बराबर वोट मिला। तो ऐसे में अब बीएल संतोष ने निर्देश दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले यूपी भाजपा को जो पदाधिकारी है बूथ स्तर पर उनको जुटना होगा, और लगभग 38% जो सीट थी वहां पर ए श्रेणी में जो थे, तो अब 38 को बढ़ा के 40 करना है, यानी कि जो है 50 करना है, 45 से 40 के बीच, यानी कि 10 से 12% ये नया टारगेट जो है वो बीजेपी को पूरा करना होगा। और साफ है 2024 को लेकर नए नए टारगेट जो है बनाए जा रहे हैं, और ये टारगेट सचिव होते हैं तो इसका फायदा 2024 में देखने को मिलेगा। शुक्रिया आपका मयूर, तमाम जानकारी देने के लिए।